तो गाइज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और आपको आइडिया हो गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हुडीज के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है गाइज, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आ रहा है फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल, तो ये जो होने वाला वीडियो उसी के रिलेटेड होने वाला कि अगर आप हुडी के लिए सीख कर हुडी देख रहे हैं तो फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में कौन कौन से ब्रांड्स है जिसपे आप ऑप्ट कर सकते हैं और अच्छे हुडीज ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसे काफ़ी वीडियोज हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और इस वीडियो में हम लोग हुडीज के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उस ब्रांड्स को भी बताएंगे यहाँ पे। तो गाइस चलिए सबसे पहले बात करें हुडी के टाइप्स की, हुडी की टाइप कितनी होती है। तो गाइस अगर आप ऐसे चेकआउट करने जाओगे तो हुडीज के तो काफ़ी सारे मतलब बतेरो आपको टाइप्स मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे मेन होता है पहला होता है अपना जीप अप हुडी और दूसरा होता है ओवर द हेड हुडीज। ठीक है, अब जीप अप हुडीज क्या होता है, जो हमें चेन मिलता है जो बीच से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ये ऐसे लोगों के लिए होता है जो थोड़े से स्किनी होते हैं या उनको स्लिम फिट फैशन पसंद है, या ऐसे अगर आप कहीं जा रहे हैं कि अभी मतलब सुबह सुबह आप निकले फिर आप ऐसे जगह पर पहुँचे को जहाँ सनी हो जाएगा धूप हो जाएगा तो वहाँ पर आपको चेंज करना हो तो जीप अप हुडी आसानी होता है वहाँ से हम लोग। ओवर द हेड हुडीज होता है जो कैप के साथ आता है, ये हम उतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, ये काफ़ी वार्म एंड कंफर्टेबल होता है और हमें काफ़ी एक कोजी सा लुक देता है। ठीक है, अब इन दोनों हुडीज़ की फिटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर जीप अप हुडीज़ की बात करें तो ये आपको बढ़िया से एकदम फिट आना चाहिए आपके बॉडी पे, अगर आप ढीला पहनोगे या ज़्यादा टाइट पहनोगे तो इसका जो चेन है वो डिस्टर्टेड हो जाएगा और लुक अच्छा नहीं देगा, काफ़ी लोग स्किनी फील होने लगते हैं अगर इस पर आप ज़्यादा डाउन साइज लेते हैं, तो आप इसके लिए परफेक्ट साइज चूज़ करें। नेक्स्ट आ जाते हैं ओवर द हेड हुडीज, इसमें आप अपने साइज या वन साइज बिगर भी जा सकते हैं क्योंकि थोड़ा वार्म अनकम्फर्टेबल के साथ साथ कोजी फील कराता है और वैसे भी अभी ओवर साइज का जमाना चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स टाइप का हुडीज ले सकते हैं। फिर आएंगे कलर्स के ऊपर कि गाइज आपको कलर्स कौन कौन से प्रीफर करने चाहिए। तो गाइज यहाँ कलर्स को लेकर मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहूँगा, हुडीज है आप आराम से इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल्स कलर्स है, क्योंकि अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो बर्बाद ना हो, तो पहला अपना ब्लैक ले सकते हैं, नेवी ब्लू के लिए आप जा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया होगा ये, काफ़ी लंबा टाइम तक आप इसको वर्सेटिलिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें सबसे बेहतर जो मुझे लगता है हुडीज़ के मामले वो है मस्टर्ड, मस्टर्ड को भी आप ट्राई कर सकते हैं, ओलिव है, ओलिव कलर भी काफ़ी बढ़िया होता है। और अगर आप ग्रे के लिए जाना चाहते हैं, स्टूडेंट है, कॉलेज एनऑल में जाना चाहते हैं, ऐसे इवेंट्स में जाना चाहते हैं जहाँ पे हुडीज़ ज़्यादा गंदे हो सकते हैं, तो आप ग्रे को भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो ब्राउनिश कलर या टैन कलर या बेज कलर को भी ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी सारे कलर्स है हुडीज़ को लेके, ये काफ़ी बेहतर होते हैं। इसके बाद भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो पर्पल हो गया और भी डिफरेंट जो अपने कलर्स है उसको भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये तो अपना हो गया फिटिंग कलर्स इन ऑल के बारे में, अब आएंगे मेन जो अपना टॉपिक है वो है कि ब्रांड्स कौन कौन से हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर जो अच्छे हुडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो गाइस इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको फोटोज़ देख के कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैंने पिछले एक और दो सीजन में इतने सारे हुडीज़ का अनबॉक्सिंग किया है जो आपको काफ़ी हेल्प कर देगा एक अच्छा हुडी पिकअप करने में, तो जाके आई बटन में सबका मैं लिंक दे दूंगा, जाके आप सारे को चेकआउट करिए, जो हुडीज अच्छा लगे वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं, या कोई कमेंट क्यूरी कन्फ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। तो भाई चलिए अब आते हैं उस ब्रांड के बारे में बात करते हैं जो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो भाई पहला जो अपना ब्रांड है वो है कैंपस सूत्रा, सबको पता होगा कैंपस सूत्रा अच्छे कपड़े बनाते हैं और इसकी हुडीज भी काफ़ी ज़बरदस्त होती है और प्राइस रेंज अपने बजट के हिसाब से होता है। मेट्रोनॉट एक काफ़ी अच्छी ब्रांड है, लो प्राइसेस के अच्छे प्रोडक्ट बनाती है और ये भी हुडीज काफ़ी अच्छे बनाती है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं EDRO, आपको 1000 के आसपास इसकी प्राइस देखने को मिलेगी, लेकिन इसका जो मटेरियल होता है काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी लाइट वेट होता है और इसमें डिजाइन और अपने जो प्रिंट के ऑप्शन है वो भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है मैनियक ब्रांड, इसके थोड़े से लो बजट और काफ़ी कम स्टाइल और कम डिजाइन के आपको हुडीज मिलेंगे, लेकिन उसकी जो सस्टेनेबिलिटी होती है काफ़ी बेहतर होती है। नेक्स्ट जो अपना ब्रांड है वो है को वेरीफाई, आप इसको दूसरे जो साइट से उस पर भी चेकआउट कर सकते हैं और ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इसके भी हुडीज मैंने अनबॉक्स किए हैं और ऊपर कुछ ब्रांड्स मेंशन किया मैंने, उन सारे के भी हुडीज अनबॉक्स किए हैं, तो जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा, सबका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इन सब का कंबाइंड पेज भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके जरूर चेकआउट करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हुडीज को लेकर कोई कन्फ्यूजन है या कोई अदर ब्रांड के हुडीज में आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइए, हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आपकी पसंद कैसी है। तो गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्त फैमिली मेंबर फ्रेंड्स के साथ, उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए। और मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अलविदा, शुक्रन, अलविदा, मसलमा, टेक केयर एंड डू वॉच माई लवली फ्रेंड्स।